नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपर फास्ट न्यूज। इस बुलेटिन में हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही, वो खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं, आपके गांव की हैं। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का किया उद्घाटन। अब भारत बनेगा सेमीकंडक्टर चैंपियन। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम भारत में निर्मित होने वाले चिप्स की संख्या बढ़ाने पर दे रहे ध्यान। सरकार भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए 50% प्रदान करती है सहायता। पीएम ने कहा, भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। अमेरिका में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी अपने बयानों के चलते पहले ही बीजेपी के निशाने पर। भारत विरोधी सांसद से मुलाकात कर एक बार फिर घिरे राहुल गांधी। अमेरिकी सांसद इलहान उमर से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी को झेलनी पड़ रही तीखी आलोचना। इलहान उमर संग राहुल की मुलाकात की सामने आई कुछ तस्वीरें सामने आते ही बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर साधा निशाना। इलहान उमर से मुलाकात पर अमित शाह ने साधा निशाना, कहा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल की आदत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को अनंतनाग में की रैली। रैली के बाद खड़गे ने की प्रेसवार्ता। प्रेसवार्ता के दौरान खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं, चुनावी जुमले बोलती है बीजेपी। खड़गे ने भारत में नौकरियों का भी मुद्दा उठाया, 1 लाख सरकारी नौकरियों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 पार। कहां गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो इसलिए मैं कहूंगा भाइयों, आप निराश मत हो, लड़ो। आपके सरदार, आप लोगों के कैप्टन मजबूत है, डरने वाले नहीं है। यहां से लेकर वहां तक सब कोई डरने वाला नहीं है। किसी भी मुसीबत में वो जम्मू कश्मीर को बचाएंगे, हम उनके साथ है, मेरी पार्टी उनके साथ है, राहुल जी उनके साथ है, मैडम सोनिया गांधी जी भी उनके साथ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं, यहां उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया। इस बयान से देश का सियासी पारा हाई हो चुका है। वॉशिंगटन डीसी से राहुल गांधी ने आरक्षण पर दिए बयान पर सफाई। राहुल गांधी ने कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया, कहा कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करेगी, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, हम तो सभी की भागीदारी के लिए राजनीति कर रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी की सफाई गुमराह करने वाली, आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाने का दावा छलावा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी। चौथी सूची में कुल 21 उम्मीदवारों को दिए गए टिकट। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली सूची में था 20 प्रत्याशियों के नाम, दूसरी में 9 और तीसरी में 11 उम्मीदवारों के ऐलान। 21 उम्मीदवारों को टिकट देने के बाद 61 हुई आपके कुल प्रत्याशियों की संख्या। 12 सितम्बर प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तारीख, आपको अब 29 और उम्मीदवारों का करना है ऐलान। हरियाणा के जुलाना में पहलवानों के बीच होगा सियासी दंगल। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के खिलाफ आपने पहलवान कविता दलाल को उतारा। दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन ने की केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात। दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुई शिष्टाचार मुलाकात। मध्य प्रदेश में निवेश, उद्योग और व्यापार के बारे में हुई चर्चा। सीएम ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में दी जानकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए दिया निमंत्रण। सीएम मोहन ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दिया निमंत्रण। दिल्ली में लगी मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर मोहर। केंद्र सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाया। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। सीएम मोहन यादव ने केंद्र सरकार का जताया आभार। प्रधानमंत्री श्री मनोहर मोदी जी की सरकार में सदैव उनकी नीतियां किसान कैसी रही है, इसी तरह मध्य सरकार भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए काम करती है।
मुझे जैसे मालूम पड़ा कि सोयाबीन के दाम को लेकर के किसान चिंतित है, हमने कल कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए 4,800 रुपये का जो MSP की प्राइस रखी है, जिस पर किसानों को अपनी फसल का ठीक दाम मिलाने के लिए एक बड़ा उत्साहजनक थोड़ा सा रेट है। इस नाते से जब एक प्रस्ताव भेजा गया तो कल ही भेजा प्रस्ताव आज मंजूर किया गया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को आभार मानता हूँ, माननीय कृषि मंत्री, माननीय वाणिज्य मंत्री सभी का आभार मानता हूँ, इसमें किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। एक बार फिर मैं सरकार किसानों के सदैव प्रगति के मामले में कामना करती हूँ, सदैव उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की फसल खरीदने को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया सामने, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि एवं किसान कल्याण, पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान थे चिंतित। पहले हमने महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी, कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है MSP पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता ना करें, सोयाबीन MSP की जो दरें हैं, जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी, मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में जुटे